दोस्तों गर्मियों में कैसे करें हरे धनिये की खेती। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में कैसे करें हरे धनिये की खेती और लाखों रुपए कैसे कमाएं, आज इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और लेकर आए आपके लिए हरे धनिये का कोरिएंडर फार्मिंग का एक ऐसा महत्वपूर्ण बिजनेस आइडिया जिससे लाखों रुपए कमाया जा सकता है। दोस्तों गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों में हरे धनिये की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, तो इस बीच में हमारे किसान भाई हरे धनिये की खेती कैसे करें, आज जानेंगे हम यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों बता दें कि गर्मियों में हरे धनिये की खेती कैसे करें, तो हरा धनिया जिसे कोरिएंडर बोला जाता है तो आमतौर पर सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है और इसका जूस भी बनाया जाता है और यह रसोई घर की आवश्यकता के साथ साथ एक औषधि भी है। वातनाशक होने के साथ साथ पाचन शक्ति भी बढ़ाता है और यह अन्य रोग जैसे कि सिर दर्द, सूजन, बुखार और आँखों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो कई तरीके से फायदे ही फायदे हैं इस हरी धनिये के, जिसकी वजह से इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा रहती है और खास तौर पर गर्मियों में। तो अभी हमारे किसान भाई हरे धनिये की खेती करते हैं तो एक महीने में आराम से इसकी फसल को काट सकते हैं और अच्छी खासी इनकम भी ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं धनिया की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जहां जलवायु की बात आती है वहां पर ध्यान देने की बात भी आती है, जैसे कि धनिया की फसल के लिए शुष्क और ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। इसके लिए खुली धूप बहुत ही आवश्यक होती है, पाला गिरने से इसकी बढ़वार रुक जाती है एवं धनिया की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है और अच्छे जीवांश में युक्त तो भारी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन इसके लिए मिट्टी का जल निकास होना अति आवश्यक होता है। तो ऐसे बीच में या फिर इस तरह की खेती में आप धनिये की खेती कर सकते हैं जिसमें अच्छा खासा प्रोडक्शन या उत्पादन लिया जा सकता है। बात करते हैं धनिये की खेती के लिए उपयुक्त किस्में। तो दोस्तों बहुत सारी किस्में आती हैं धनिये की जिसमें हम अच्छे खासा उत्पादन ले सकते हैं, तो जिनमें कुछ ऐसी मोस्ट किस्में हैं जो कि ज्यादातर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि धनिया की किस्मों में है हिंसार सुगंध RCR 41, कुमराज RCR 22, 41, फिर 435, फिर 436, 446, 684, 840, 728, GC2, पंत हरितमा, सिंपो S33, JD1, CR1, CS6, 247, पूसा सिलेक्शन 360, फिर RC1, UD20, फिर 21, साधना और स्वाति DH5, CG1 और CG2, सिंधु CO1, CO2 और CO3, RD44 और आजाद धनिया 1 आदि प्रमुख किस्में हैं। तो इतनी सारी किस्में दोस्तों मार्केट में प्रचलित है जिनमें कई तरीके से फायदा लिया जा सकता है। तो कलमी धनिये की खेती है दोस्तों, तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसा धनिया बनेगा। इन सारी वैरायटीज में काफी अच्छा धनिया बनता है और मार्केट में इनकी डिमांड भी काफी अच्छी है। अब बात करते हैं दोस्तों खाद एवं उर्वरक की। तो दोस्तों धनिये की खेती के लिए फसल के लिए आपको 150 से 200 क्विंटल कंपोस्ट या गोबर की गली सड़ी खाद डालनी चाहिए। इसके साथ साथ 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आखिरी जुताई में डालनी चाहिए और नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा दो बार में बुवाई के 25 से 40 दिन के बाद डालनी चाहिए, जिसमें हमारी फसल काफी अच्छा ग्रो करती है। और हाँ दोस्तों, इसमें एक सावधानी ये बरतनी होगी कि धनिये की खेती में गलती से भी यूरिया खाद मत दे देना मेरे भाइयों। यदि आप यूरिया खाद का छिड़काव कर दोगे धनिया की खेती में, वो भी गर्मी के समय में, तो आपका धनिया हरा ना रहते हुए, ग्रीन कलर में ना रहते हुए पीला पड़ जाएगा
येलो कलर में कलर आ जाएगा और वह कुंभले जाएगा और उसकी पत्तियों में झुलसा लग जाएगा। तो उस धनिया की कीमत बमुश्किल से मार्केट में 2 से 3 रुपए किलो भी बिकना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यूरिया खाद गर्मियों में धनिया की फसल को नुकसान पहुंचाता है। और यही गलती एक बार हम कर दिए थे, जिसकी वजह से हमारी पूरी फसल नष्ट भी हो गई थी। तो आपको ये सावधानी बरतनी है। हाँ, यदि आपको लगता है कि डालना है तो पहले एक छोटे से एरिया में डालिए, और छोटे से एरिया में डालने के बाद 15-20 दिन उसका इंतजार कीजिए, फिर देखिए उसमें क्या होता है। यदि आपकी फसल में नुकसान नहीं होता है तो आप डाल दीजिए, होता है तो वहीं पर उसको रोक दीजिए। क्योंकि हमने डाला था यूरिया तो हमारा 8 से 10 दिन में ही नुकसान करना शुरू कर दिया था, और इसके बाद पूरी फसल नष्ट हो गई थी। तो आपके लिए ये सलाह यहाँ पर महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दोस्तों धनिया की खेती में सिंचाई की। तो सिंचाई किस तरीके से करना है दोस्तों, धनिया की खेती में धनिया की फसल में 5 सिंचाई तक तैयार हो जाती है ये फसल। और पहली सिंचाई फसल के बुआई के 20 से 30 दिन के अंदर करनी चाहिए। वहाँ की आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए कि कब इसकी सिंचाई करनी है। बात करते हैं दोस्तों खरपतवार प्रबंधन की। किस तरीके से खरपतवार प्रबंधन करना है आपको, तो दोस्तों बता दें कि धनिया की फसल में पहली निराई गुड़ाई पहली सिंचाई के बाद करनी अति आवश्यक होती है, क्योंकि इसी बीच में इसमें घास फूस खरपतवार निकल आते हैं। उसके बाद खरपतवार के अनुसार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। यदि इसमें खरपतवार आते हैं तो करें, नहीं है तो नहीं करें। फिर कीटनाशक से रोकथाम के लिए क्या करना है, 3.5 लीटर पेंडामेथालीन को 900 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 2 दिन तक प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर सकते हैं। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होगा और आपकी फसल काफी अच्छी होगी। एवं बात करें रोग एवं कीट के रोकथाम की, तो दोस्तों धनिया में उकटा फफूंदी बिल्ट और तना पिटका रोग लगते हैं ज्यादातर। इसके लिए बीज को अच्छे से उपचारित करना चाहिए और रोग रोधी किस्म का चुनाव करना चाहिए, और रोग रोधी पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए, जिससे कि उनका प्रकोप बाहर न फैल सके। इसके साथ ही 0.06 केरोथीन के घोल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारी फसल बची रहेगी और हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता रहेगा। एवं धनिया की फसल में माहू और पत्ती खाने वाले प्रमुख कीट ज्यादा लगते हैं गर्मियों के समय में, तो इनकी रोकथाम के लिए 0.2% कार्बोरिल का छिड़काव 2 बार 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए, जिससे कि फसल में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। एवं बात करें दोस्तों फसल कटाई और उसके पैदावार की, तो दोस्तों बता दें कि जब पत्ती पकने से पहले मुलायम होती है तब इनकी तुड़ाई करनी चाहिए, मतलब कि काट लेना चाहिए। फिर तने को नहीं काटना चाहिए, इसको छोड़ते रहना चाहिए। इससे आप 2 बार तुड़ाई कर सकते हो। और सूखे धनिया से दाने निकलने के लिए जब फसल पूर्णतः पक जाए तब काट लेनी चाहिए, मतलब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। एवं बात करें फसल कटाई और इसके पैदावार की, तो दोस्तों बता दें कि उपरोक्त विधि के अनुसार धनिया की खेती करने से हरे धनिया की पैदावार 130 से 150 क्विंटल हरी धनिया की पत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। और यदि बात करें सूखे दानों की तो वो 11 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से इतना सारा प्रोडक्शन है इस हरे धनिया का। तो दोस्तों इसमें कई सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो आप गर्मियों में इसकी पत्तियों को बेचिए, इसके बाद ये पकने लगे तो इसके बीज निकाल कर आप बीज कर लीजिए, फिर चाहे तो अगले समय के लिए गर्मियों के लिए बीज को रख लीजिए या फिर इसको बेच दीजिए। तो कई इस तरीके से कई सारे फायदे हैं धनिया के। तो दोस्तों इस तरीके से आप धनिया की खेती करके अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट ले सकते हैं और धनिया की खेती कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपके लिए धनिया की खेती करने का बिजनेस आइडिया, पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके आपके माध्यम से और हमारे अन्य भाई बहन मित्र देख सके धनिया की खेती को। और यदि आपने अभी तक स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, साथ में इसके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि देख पाएं आप इसी तरह के और भी आने वाले लेटेस्ट बिजनेस आइडिया सबसे पहले। मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।